क्या नाम है आपका? विजय कुमार सोनी, पूरा नाम विजय कुमार सोनी, वैसे विजय कुमार होता हूँ। विजय कुमार सोनी, अच्छा, कितनी उम्र है? 45 साल। 45 साल, कहाँ रहते हैं? संगम बिहार में रहता हूँ, दक्षिणपुरी में ज्वेलरी शॉप की दुकान है। ये तकलीफ आपको कब से चल रही है? करीबन 1 साल से। 1 साल से? 1 साल से क्या तकलीफ चल रही है आपको? ये लीवर की तकलीफ, कुछ भी खाता हूँ हजम नहीं होता, खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद उल्टी हो जाती है। जी, ठीक है ना? जी, हाथ को मतलब आधे घंटे बाद 1 घंटा उल्टी हो जाएगी, तो हाथ पैर से कपड़े पहनने लग जाते हैं। तो पहले तो मैंने दिखाया था इसमें पुरानी बिल्डिंग मजीदिया ना जी, उसमें 20 दिन में भर्ती रहा, 20 दिनों में भर्ती रखा, दवाई वाई दी, सब करा। जब मैं यहाँ से गया फिर 2-3 दिन बाद दोबारा वैसे ही प्रॉब्लम हो गई, मैं दोबारा आया, फिर उनकी दवाइयों से मेरे को अचानक बुखार आने लग गया जी। और मतलब बुखार भी ऐसा कि बहुत ज़्यादा ठंड लगना, और दो दो रजाई ओढ़ के सोना पड़ता था, बुखार ज़्यादा देखे चलते था। हाँ, ज़्यादा देखे चलता। फिर कुछ पीलिया की भी शिकायत हो गई थी? हाँ, पीलिया की थी, लेकिन इतनी नहीं थी, उसमें 1 पॉइंट था। अच्छा, तो देता रहा थोड़े दिन दवाई, लेकिन नहीं बढ़ा रहा, तो शरीर धीरे धीरे और कमजोर होने लगा जी। तो किसी ने बोला तुम सिंगानी हॉस्पिटल में दिखा दो, लीवर का अच्छा हॉस्पिटल है जी, अच्छा इलाज हो जाएगा। ठीक है जी, सिंगानी हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर मनोज कुमार मिले थे वहाँ पे जी, उन्होंने मुझे 5 दिन भर्ती रखा जी, 4-5 दिन भर्ती रखा, फिर उन्होंने दवाई वाई लिख के दे दी। तो दवाई मैंने महीने भर तो खाई थी उनकी, और महीने भर तो आ, लेकिन वो धीरे धीरे उन्होंने दवाइयाँ जो चेंज करी ना जी, वो दवाइयाँ मेरे बॉडी को इतनी गर्म कर गई कि मतलब मैं लैट्रिन बाथरूम से लैट्रिन से खून गिरने लग गया। मैंने उनको बोला डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने फिर बोला ठीक है दवाई चेंज कर देता हूँ। फिर दवाई चेंज कर दी, फिर भी मुझे आराम नहीं पड़ा। फिर मैं थोड़े दिन घर में ऐसे ही रहा, कोई जैसे गैस की गोली खा लेता था, या कोई पेट में तकलीफ होती तो पेट की, या फिर वो पानी भरता तो पानी वाली दवाई खा लेता था, लीवर की कोई दवाई नहीं खा रहा था मैं। फिर किसी ने बोला मुझे IVL हॉस्पिटल में दिखा दो, लीवर का स्पेशलिस्ट है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। कौन सा अस्पताल? IVL, वो उसी यहाँ पे बसंत कुंज में, बसंत कुंज वाला जी। तो वहाँ पे डॉक्टर के पास गया, मैंने बताया जी तो मेरे पेट में हार्निया है, ये जिसका ऑपरेशन करवाना है। अच्छा। और कुछ मेरे लीवर में तकलीफ है, आपका शरीर कमजोर है, वो अगर हमें इजाज़त देंगे तो हम ऑपरेशन करेंगे, अन्यथा ऑपरेशन नहीं कर सकते हम। ठीक है जी, लीवर के डॉक्टर को दिखाया, उसने कई तरह के खून टेस्ट करवाए, और मतलब जितने भी उनको टेस्ट बनते थे वो सारे उन्होंने टेस्ट करवाए मेरे से, करीबन होंगे 25-30 हज़ार रुपये के टेस्ट हुए होंगे वो। ठीक है जी, फिर उन्होंने दवाई लिख के दे दी, वो दवाई खाने के 6 घंटे बाद मेरी इतनी खतरनाक हालत हो गई कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं मर जाऊँगा। मेरे बच्चे लेके हाथों हाथ मुझे गाड़ी में उसी हॉस्पिटल में पहुँचे, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे मुँह से झागी झाग गिर रहे थे, उन्होंने इमरजेंसी में 24 घंटे रखा मुझे। फिर वो डॉक्टर भी आया जिसने दवाई दी थी, सब देखने के बाद उसने कहा कि दवाइयाँ तुम्हारा साथी झेल नहीं पा रहा और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था तुम 2-4 मतलब महीने 2 महीने के मेहमानों से आ तुम जियोगे। फिर उसने 12 घंटे तक तो रखा, 12 घंटे बाद कहने लगा जी हमारे पास तो आपके लिए कोई दवाई है नहीं, और आप ये गैस की दवाई है ये ले लो, और एक ही खाना खाने के बाद ये भी गैस की लिक्विड है जी, ये 2 लिख के दे दी वो पी लेना बोला, बस यही इलाज है हमारे पास और कोई इलाज नहीं है। फिर मैंने हर जगह से उम्मीद छोड़ दी कि भाई मुझे कहीं इलाज हो सकता है क्या मेरा। तो उन्होंने कुछ क्या लीवर बदलने के लिए बोला था? नहीं, उन्होंने लीवर मैं नहीं बदलने के लिए बोला था, मैंने कहा कि लीवर ट्रांसप्लांट भी होता आपके यहाँ, बोले तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि हम आपका लीवर ट्रांसप्लांट कर सकें। ठीक है ना, तुम्हारा शरीर बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका, वीकनेस में आ चुका। फिर मैंने उम्मीद ही छोड़ दी कि मैंने कहा छोड़ को इलाज तो होना नहीं है, मरना तो है ही, वैसे ही मर जाएगी और क्या होगा। फिर हमारे बगल में अभी थोड़े दिन पहले की बात है, करीबन 25 तारीख को हमारे बगल में डॉक्टर खान है, उन्होंने बोला तुम्हारा रंग बहुत ज़्यादा पीला पड़ रहा है, तुम बहुत जल्दी इस तरह से हालत रही तो मुझे नहीं लगता 2-3 महीने में तुम निकाल पाओगे। तो फिर उसने मुझे सजेशन दिया, बोले देखो तुमने तो ये तो सोच ही लिया कि तुम्हारा इलाज तो होना नहीं है, तुम्हें जाना ही है, तो एक बार इस हॉस्पिटल का नाम बताया इन्होंने कि यहाँ पे जाकर एक बार तुम अपना इलाज करवा के देखो, टाइम लगेगी लेकिन इलाज तुम्हारा जड़ से होगा। फिर मैं यहाँ पे आया। अच्छा,
जब यहाँ पर आए थे तो उस वक्त क्या क्या तकलीफ महसूस हो रही थी? यहाँ पे आया जब मेरे को बार बार जब मुझे आपने ओपीडी में आके दिखाया, हाँ जी, उपकाइयाँ चल रही थी जी, बुखार था मुझे जी, हाथ पैर में कंपन था, ऐसे से कांप रहे थे हाथ पैर जी। तो ये दो तीन दिन दवाई लेने से कमजोरी बहुत महसूस हो रही, बहुत ज्यादा महसूस, मतलब हाथ पैर का हाथ भी सीधा नहीं होता मेरे से अपना, जब मेरे पास ओपीडी में आए थे। हाँ, उस समय भी मेरे हाथ ऐसे से कर रहा था। तो फिर दो तीन दिन आपकी दवाई ली तो उससे मुझे शरीर में थोड़ा बहुत रिलैक्स मिला, ये बात है। अब मैं आपके यहाँ बढ़ती हुई दवाई ले रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। जब ये हमारे पास आए थे तो इनकी हालत बहुत ही कमज़ोर थी, जैसे इन्होंने बताया कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, चक्कर आ रहे थे और बहुत ज़्यादा घबराहट थी। तो हमने इनकी कंडीशन को सीरियस देखते हुए हमने इनको एडमिट नहीं किया कि बिला वजह कुछ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, हम लोग यूनानी में इमरजेंसी भी हमारे पास नहीं होती, हमें फिर दूसरे हायर सेंटर में एडमिट करना रेफर करना होता है। लेकिन ये तो खुद ही हायर सेंटर से हमारे पास आए थे, तो हमें ये अफसोस भी होता है कि अब हम इनको भेजें कहाँ, इसलिए मजबूरन हमने इनको जो है अपने यहाँ एडमिट कर लिया। जब इन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि आपने कहा था ना एडमिट कर लो, हालांकि पहले दिन हमने आपको मना भी मना कर दिया था कि आपको एडमिट नहीं करेंगे, दवा भेज लेते रहो। फिर ये दोबारा मेरे पास आ गए दूसरे दिन, फिर हमने इन पर ये सोचते हुए कि अब इनको हम कहाँ भेजें, मजबूरी है, तो हमने इनको एडमिट कर दिया इनकी हालत को देखते हुए। लेकिन अब इनको ये दवा देने के बाद में अब आपने इनको देखा कि जब मैं दूसरे दिन सुबह राउंड पर गया तो इनके चेहरे से खुशी के आसार लग रहे थे, जब चेहरे पर दूसरे दिन, तो आपने बताया कि अब मुझे दूसरे दिन से उबकाई आ रही थी वो बंद हो गया, पेट में दर्द था वो बंद हो गया, और जो बुखार आ रहा था वो ठीक हो गया, और इस तरह से इनकी जनरल कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो गई, और अब इनके चेहरे से बहुत ही ज़्यादा सुकून और इत्मीनान लग रहा है। अब हमने इनका जो है फाइब्रो स्कैन भी कराया, तो इनका फाइब्रो स्कैन आपको मैं दिखा रहा हूँ। लीवर फंक्शन टेस्ट की देखते हैं, 2.6 सीरम बिलिरुबिन है, इनका SGOT 140 है, SGPT 120 है, एल्कलाइन फास्फेट 190 है, जो पूरा लीवर फंक्शन डिरेंज है। इसी तरह से आप हीमोग्राम में देखेंगे इनका हीमोग्लोबिन 6.9 है, सीवियर एनीमिया है इनको। और इनका जो है दूसरे आप ये देखेंगे कि प्लेटलेट्स भी इनके बहुत कम हैं, प्लेटलेट्स इनके 1.18 हैं, और ESR जो है ये 49 है। तो इनका हीमोग्राम भी अबनॉर्मल है, लीवर फंक्शन भी, यूरिन भी, और ये इनका KFT है, KFT इनका नॉर्मल है, इनका एल्बुमिन 3.3 है, और लीवर फंक्शन ये देखिए, लीवर फंक्शन इतना डिरेंज है कि इनकी प्रोथुमिन टाइप 44 है, जबकि नॉर्मल जो है ये 12 होनी चाहिए थी, 44 है, और इनका प्रोथुमिन टाइप कंट्रोल 13 नॉर्मल है, 44, तो बहुत ज़्यादा डिरेंजमेंट है इनका। INR भी 3.37 है, तो PT रेस है, INR बढ़ा हुआ है, जो इस बात की अलामत है कि लीवर काम नहीं कर रहा इनका। और इनका फाइब्रो स्कैन करा तो फाइब्रो स्कैन 75 है, तो ये क्लियर कट है ऑन द पैरामीटर, मॉडर्न पैरामीटर, क्योंकि लीवर इज इन फेल्योर कंडीशन, लीवर फेल्योर, और SIT आप इनका देख रहे हैं। लेकिन जब हमने यूनानी ट्रीटमेंट शुरू किया, आप ये देखें कि आप इसमें जो है ये सिरोसिस कन्फर्म है, सिरोसिस अगर 10 से 10 और 11 हो जाए तो सिरोसिस ऑफ लीवर इनका तो 75% है, तो ये बिल्कुल लीवर इनका डैमेज हो चुका है। लेकिन अब यूनानी दवाएं करने के बाद में इनको इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया है। आपने पहले भी देखा, जो पहले हमारे मरीज आए हैं कि जिनसे चलना फिरना मुश्किल था, जिनका दूसरे अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई उनके पास ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन कई मरीजों के पास इतना पैसा नहीं था कि लीवर ट्रांसप्लांट कर सकें, कई मरीजों के पास डोनर नहीं था, पैसा था लेकिन डोनर नहीं था, कितने मरीजों के पास जो है अभी एक पेशेंट आया कि ओ पॉजिटिव था, इसलिए ऐसे मरीज को डोनर मिलना भी मुश्किल होता है जिसका ओ पॉजिटिव है, कितने लोगों के पास पैसा नहीं होता, उस काबिल नहीं होते, कितने पांचवा मरीज हमारे पास आया कि वो 71 ईयर्स ओल्ड थे या नोएडा से, तो उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन एज फैक्टर ऐसा है, और हार्ट का बाईपास सर्जरी हो चुका, तो डॉक्टर ने कहा कि अब आपको, आपने देखा कि उनका पेट में सीवियर एसाइटिस है, और पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन उनकी एज फैक्टर और हार्ट की सर्जरी की वजह से लीवर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते।
तो ऐसे मरीज जिनको लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं है लेकिन यूनानी दवाएं और इलाज करने से वो अल्हम्दुलिल्लाह आराम हो रहा है। इसलिए हमारा ये अपने मरीजों का मैसेज है कि हमें यूनानी ट्रीटमेंट को भी जो आपके सामने देखा कि मरीज ठीक हो रहे हैं और बिल्कुल मायूस जैसे हमारे अभिजीत को हमारे सामने कहा कि इनको सिर्फ 2-3 महीने का टाइम दिया था दूसरे अस्पताल में, क्यों कितना दिया था 2-3 महीने का टाइम दिया, 2-3 महीने का टाइम दिया था कि आपका खून भी नहीं है 6.5 ग्राम इनका है, लीवर फेल्योर है बिल्कुल, अल्ट्रासाउंड एसाइटिस, लेकिन अभी जवान आदमी उम्र भी ज़्यादा नहीं है लेकिन बिल्कुल नाउम्मीदी की हालत में थे। अब इनको अभी 4-5 दिन हुए और उम्मीद बन चुकी, थोड़ी उम्मीद जगी है मुझे, थोड़ी उम्मीद, कुछ उम्मीद जगी है नहीं, उम्मीद जगी है। अच्छा ये बताइए विजय साहब कि आपने पहले भी महीनों इलाज कराया था बड़े बड़े अस्पताल में, तो आपको इतना आराम हुआ था जितना भी 3-4 दिन में हुआ या नहीं हुआ? यहाँ ज़्यादा आराम मिला, ज़्यादा आराम मिला, वहाँ क्या है वो ग्लूकोज वगैरह चढ़ा चुड़ू के इंजेक्शन दे के थोड़ी देर के लिए दबा देते जी, लेकिन वो 2-4 दिन 5 दिन के लिए दबा दिया, 2-4-5 दिन बाद वही कहानी शुरू हो जाएगी जी। ना तो आपको इंजेक्शन या ना कोई ऐसा नहीं दिया, क्योंकि यहाँ मुझे ये बताया था कि यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इलाज जड़ से होगा जी, तो अब आप मुतमइन हैं इस इलाज से? हाँ बिल्कुल। अब आपको कैसे लग रहा है अगर यूनानी इलाज में ठीक हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पूरा भरोसा है। चलिए बहुत अच्छा, अब आप ये इलाज अपना कंटिन्यू रखें और शराब और ये जो है बहुत दिन से शराब पी रहे थे, कितनी उम्र से शराब पी रहे थे आप? 14 साल की उम्र, 14 साल की उम्र से जो है ये अल्कोहलिक थे, शराब पी रहे थे, चूँकि घर पर इनके कोई नहीं था, आज़ाद जिंदगी थी, तो जैसे भी और उसकी वजह से जो है ये ऐसी अल्कोहलिक सिरोसिस ऑफ लीवर है, लेकिन उस कंडीशन में भी इलाज करने के बाद उनको बेहतरीन हालत शुरू हो गई और उम्मीद है इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाए।